जय जवान के बाद आज प्रधानमंत्री जय किसान का भी जय घोष करेंगे। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री किसानों की सबसे बड़ी योजना की शुरुआत करेंगे। मिशन पूर्वांचल पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधे सीधे किसानों के खाते में 2000 रुपए की पहली किश्त देंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त और पूर्वांचल के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों के खाते में सीधा गोरखपुर से ये किसान सम्मान निधि की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो है, आप हालांकि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के प्रोटोकॉल के तहत खुद वहां पर रिसीव करने के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं वहां पर। आज का जो कार्यक्रम है उसमें सीधे सीधे गोरखपुर से किसान सम्मान निधि की शुरुआत करने वाले हैं। आतंकी फैक्ट्री पर ताला लगाने का काम भी अगर मेरे ही हिस्से लिखा है तो ऐसा ही सही। इन लोगों की कर्ज माफी की कलाई भी हर प्रकार से रजरोज खुल रही है। देश के किसानों से विश्वासघात करने का इनका तरीका अब पूरी तरह खुल करके सामने आ गया। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, 55 साल बाद ये नारा फिर बुलंद हुआ है। साथियों, ये जो राशि किसानों को मिलने वाली है ये साल में 3 किस्तों में 2000 रुपया में आपके खाते में जमा होने वाली है। पुलवामा हमले के बाद देश भारी आक्रोश में है। जवानों की शहादत पर देश गम में है तो गुस्से में भी है। हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं कि ये शहादत व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री भी लोगों के आक्रोश के साथ आवाज मिला रहे हैं। पूरा विश्व भी आपके साथ है, उनकी भावनाओं के साथ खुद को जोड़ रहे हैं। जय जवान का जय घोष कर रहे हैं। करवाए गए आतंकी हमले के खिलाफ एकजुट है, एक स्वर से बोल रही है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी है। सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। जवानों के साथ प्रधानमंत्री ने अन्नदाताओं के लिए भी जय जय कहा। प्रधानमंत्री आज किसानों की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ करेंगे। यूपी के गोरखपुर से इस योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत किसानों को खाते में सीधे 2000 की पहली किश्त भेजेंगे। इस योजना से देश के 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री किसानों को कैश के साथ आज खाद पानी भी देंगे। पीएम मोदी गोरखपुर में खाद की फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे। 3 साल पहले ही मोदी ने इस फैक्ट्री को दोबारा खोलने के लिए भी नींव रखी थी। जवान और किसान दोनों देश की लाइफलाइन है और जब साल चुनावी हो तो इनकी अनदेखी कौन कर सकता है। अब की बार जवानों की भी जय, किसानों की भी जय। कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। तो पहुंच चुके हैं गोरखपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज उनका यहीं से दौरा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। गोरखपुर से किसान सम्मान निधि की शुरुआत करनी है। इसके अलावा आज कुंभ में भी डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंतजार हो रहा था काफी समय से। 13 दिन में चौथा दौरा है प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश का। आज गोरखपुर और प्रयागराज का दौरा है उनका और फिलहाल गोरखपुर पहुंच चुके, तस्वीरें वहीं से दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में पवित्र संगम में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। इससे पहले 1956 में प्रधानमंत्री रहते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुंभ स्नान किया था। भव्य कुंभ, भव्य कुंभ, आध्यात्मिक कुंभ, संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ में अब तक करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कुंभ का आकर्षण ही कुछ ऐसा है कि क्या देश और क्या विदेश, हर कोई यहां खींचा चला आ रहा है।
आखिर एक शख्स भला भक्ति के इस मोहपाश से कैसे दूर रह सकता था। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज के कुंभ नगरी का दौरा करने वाले हैं। संगम तट पर मोदी करीब 1.5 घंटे का वक्त गुजारेंगे और ये तय माना जा रहा है कि इस दौरान वो संगम में डुबकी भी लगाएंगे। मोदी की धर्म के प्रति आस्था कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री काल में स्नान के लिए नदी के तट पर आना पहली बार होगा। मंदिरों में पूजा करते मोदी को आपने कई बार देखा है, लेकिन कुंभ पर संगम में डुबकी पहली बार दिखेगा। अब की बार प्रयागराज कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री ने खास दिलचस्पी दिखाई थी, खासकर कुंभ की व्यवस्था और आयोजन को लेकर, जिसके लिए उन्होंने खुद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ कई बार बैठकें की। यही वजह है कि जो भी कुंभ नगरी आ रहा है वाह वाह करता हुआ ही वापस लौट रहा है। प्रयागराज के लिए कुंभ का मेला नई बात नहीं है, सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन शायद ये पहला कुंभ मेला ऐसा है कि जो जल थल और नभ तीनों मार्ग से यात्री आ सकेंगे। प्रयागराज आ रहे प्रधानमंत्री मोदी काफी देर तक संगम पर वक्त बिताएंगे। मोदी दोपहर 2:30 बजे गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज से सड़क के रास्ते ही मोदी संगम तट पर आएंगे। दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक पीएम गंगा यमुना और सरस्वती के लिए मिलन स्थल पर रहेंगे। संगम में स्नान के बाद मोदी किले में मौजूद अक्षयवट वृक्ष का दर्शन करेंगे। इसके बाद हनुमान मंदिर में बजरंग बली का आशीर्वाद लेंगे। इस पूरे वक्त के दौरान प्रधानमंत्री के साथ यूपी के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कुंभ यात्रा को लेकर न सिर्फ प्रशासन सचेत और सजग है, बल्कि वहां मौजूद साधु संतों में भी नई आशा और उम्मीद का संचार हो रहा है। आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री के स्वागत में कुंभ नगरी आज कुछ खास तौर पर तैयार है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने लिया तैयारियों का जायजा। प्रयागराज में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के ठीक पहले शहर में तमाम तैयारियां जहां पूरी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से चारों तरफ पोस्टर बैनर लगा के प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। इस संगम इलाके में, मेला इलाके में जहां प्रधानमंत्री आ जाएंगे और ये उनका दूसरा दौरा होगा, जब कुंभ की शुरुआत के ठीक पहले प्रधानमंत्री आए और अब जब कुंभ अर्धकुंभ महापर्व अपने आखिरी चरण पर है, ऐसे में प्रधानमंत्री का प्रयागराज आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही क्योंकि संदेश लगातार कुंभ के जरिए देने की कोशिश की जा रही है, प्रधानमंत्री कई मौकों पर, कई अवसरों पर कुंभ और इस खासकर इसके पूरे बंदोबस्त की लगातार तारीफ कर चुके हैं, और आज जब प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे तो मिलेंगे उन सफाई कर्मचारियों से जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अर्धकुंभ के महापर्व के दौरान साफ सफाई और स्वच्छता का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि यहां पर नारा ही था दिव्य कुंभ स्वच्छ कुंभ। और ऐसे में जब करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग लगातार रोज प्रयागराज में आते रहे, संगम किनारे आते रहे, बहुत बड़ी चुनौती थी इस पूरे इलाके को साफ सुथरा रखना। तो ऐसे में गोरखपुर का कार्यक्रम खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री प्रयागराज आएंगे, स्वच्छता कर्मचारियों से मिलेंगे, और ये भी उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश के लिए, प्रयागराज के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री किसी न किसी सौगात की घोषणा भी करेंगे। संगम इलाके से शकील अहमद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।